एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे बीच हमारे दिमाग में आता है। हर व्यक्ति वास्तु एक्सपर्ट या वास्तु शास्त्र में जो इसमें अपना विश्वास रखता है, हर व्यक्ति के दिमाग में है कि पूर्व दिशा का मकान सबसे श्रेष्ठ होता है, मान ली बात। लेकिन प्रैक्टिकली अगर सोचा जाए तो एक बात सुनिए, आपके सारे देश में जितने लोगों के मकान पूर्व दिशा की तरफ है, क्या वो आनंद के साथ अपना जिंदा है या उसको हर प्रकार की खुशी है? नहीं, नहीं हो सकता। इसी प्रकार जिनका मकान हमारे वास्तु शास्त्र के प्रिंसिपल के विरुद्ध है कि साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए, क्या वो व्यक्ति सारे के सारे दुखी है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, एक मिस्टर मल्होत्रा है, एक मिस्टर गुप्ता है, एक मिस्टर गर्ग है, एक मिस्टर चंद्रा है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग क्यों है? जब एक टेबल पे बैठेंगे, एक गज मैंने तो लस्सी पीनी है, दूसरा कहेगा मैंने विस्की पीनी है, और तीसरा कहेगा मैं तो साउथ इंडियन खाना चाहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? एक तरह की बात हम अपने होम सूत्र के कार्यक्रम के जरिए आप तक पहुंचाना चाहते हैं। जब भी आप अपने मकान की दिशा को नियंत्रण में लाएंगे तो सबसे पहले अपने स्वभाव के लिए कुंडली के प्रथम भाव को देखिए। वो दिशा जो तय है, अगर साउथ है तो भी चलेगी। दूसरा कारण, अगर आपकी कुंडली में चौथा भाव में जो घर का है उसमें जो दिशा है, अपने राशि के अनुसार उसका चुनाव कीजिए। लगता है आपको मैंने थोड़ा सा ज्यादा ही घुमा दिया है, एक बात और सुन लीजिए। सारी बातें छोड़िए, हम कुंडली की बात भी नहीं करते, हम कोई बात नहीं करते। हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ही मकान है, वही हमने लेना है और हमारे पास विकल्प नहीं है। वो मकान की डायरेक्शन साउथ है और सारी दुनिया कह चुकी है भी साउथ का दिशा ठीक नहीं होता, तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे? ये सुनिए। देखिए, आप अपने घर के द्वार के बाहर एक ओंकार, ओम 786, जो भी आपका धर्म है, उसका आप लिखकर, एक कमरा भी तो होता है, उसका वास्तु शास्त्र कैसे करेंगे आप? उसकी दिशा कैसे आप तय करेंगे? बड़ा कठिन है। लेकिन हम होम सूत्र के प्रोग्राम के जरिए आपको इस प्रश्न का हमने आपका समाधान कर दिया है। क्योंकि ओम क्या कहता है, बार आप ओम नमः शिवाय लिख दीजिए, श्री गणेशाय नमः लिख दीजिए, आप पान के पत्ते लेकर उसको आप लटका दीजिए, आप मौली लटका दीजिए, कोई भी धर्म को आप मानते हैं उसका मतलब क्या है कि जिसके सिर पे तू मेरे स्वामी सो दुख कैसा पावे, उसके जिसके ऊपर कृपा है वास्तु शास्त्र उसी को मिलना है। तो हम अलग अलग पॉइंट, अलग अलग सूत्र के जरिए हम आपको इस बात का अपने होम सूत्र के जरिए आपको ज्ञान देते रहते हैं। ये एक मात्र टिप था कि जब आप दिशाहीन महसूस करते हैं, जब आपके पास इलाज नहीं आता तो ये एक इलाज है। लेकिन इस प्रकार के कई प्रकार के टिप हम आपको अपने प्रोग्राम के जरिए रोजाना देते रहेंगे।